सो कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले कुछ दो तीन वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वर्ड इज स्क्वायर, राइट? स्क्वायर का क्या मतलब होगा? लाइक आई हैव टू इंटू टू, सो आप इमीडिएटली बोलेंगे मैम इसमें क्या, इसका आंसर तो फोर हो जाएगा। नहीं, अभी हमने पावर्स का इतना सारा रिवीजन लिया। व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर द पावर एज वन, बिकॉज कोई पावर नहीं है मतलब क्या है, वन है। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, एंड इट इज इक्वल टू टू, टू द पावर टू। जब भी हम टू द पावर टू आएगा तो उसे वर्ड्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ टू। इट इज इक्वल टू, आइदर यू कैन से टू टू द पावर टू और स्क्वायर ऑफ टू इन दिस केस, ठीक है? लाइक आई हैव थ्री इंटू थ्री, सो हाउ आई कैन राइट, आइदर आई कैन राइट नाइन और थ्री स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोलेंगे हम इसे, क्योंकि पावर क्या है, टू। जब भी पावर टू होगी तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। अब इसको भी आप अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टू टू द पावर थ्री और स्क्वायर ऑफ थ्री, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो अब हम जनरली जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है? 16 टू द पावर 2 मेरे पास है, इट मीन्स इट इज स्क्वायर ऑफ 16। इफ आई एम हैविंग x टू द पावर 2, इट मीन्स इट इज x स्क्वायर। और स्क्वायर जब भी ओपन होगा वो मल्टीप्लाई में दो बार हो जाएगा, x इंटू एक्स, 16 इंटू 16, क्योंकि स्क्वायर मतलब पावर 2, ठीक है? तो सबसे पहले हमको ये पावर समझ में आना चाहिए स्क्वायर पढ़ने से पहले। एक और वर्ड होता है, दैट इज क्यूब। टू टू द पावर अगर थ्री है, जैसे ये तो टू है तो आपको मैंने बता दिया कि इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ टू। अब अगर हमारे पास टू टू द पावर थ्री है, देन ऑल्सो देयर इज वन वर्ड विच इज कॉल्ड क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ टू, मीन्स टू को थ्री टाइम्स लिखिए। पावर कितना है, थ्री। इसको वापस से सॉल्व करके देखिए, वन वन वन, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एंड फाइनली इट विल बिकम टू टू द पावर थ्री। मीन्स वेन एवर वी हैव पावर एज टू, देन वी यूज टू कॉल स्क्वायर ऑफ समथिंग, ठीक है? जो भी नीचे बेस है उसका स्क्वायर। एंड वेन एवर वी हैव पावर एज थ्री, देन इट इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी कहीं क्वेश्चंस में यूज होगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वेन एवर द पावर इज टू तो यू कैन इमीडिएटली से द स्क्वायर, एंड वेन एवर पावर इज थ्री मीन्स इज क्यूब, ठीक है? अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे कि स्क्वायर सॉल्व कैसे करेंगे। लाइक सबसे पहला नंबर हमारा क्या होता है, वन। लाइक आई हैव वन स्क्वायर, व्हाट इट मीन्स, वन इंटू वन। आई हैव टू स्क्वायर, व्हाट इट शोज, टू इंटू टू मीन्स फोर। थ्री स्क्वायर, इमीडिएटली आप टेबल बना सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, एटलीस्ट 10 तक आपको याद होना चाहिए। सेवन स्क्वायर इज 49, एट स्क्वायर इज 64, नाइन स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। इतने तो मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हमें शो हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ, और यू कैन से नंबर इज मल्टीप्लाइंग टू टाइम्स, और यू कैन से द पावर ऑफ द नंबर इज टू। सबका मतलब जो है वो क्या है, एक ही है कि नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है वही सेम नंबर, ठीक है? मल्टीप्लाई तो आपका टू इंटू थ्री भी हो रहा है, बट इट गिव सिक्स, दिस इज नॉट स्क्वायर बिकॉज ये अनदर नंबर है और ये अनदर नंबर है। बट यही अगर आपके पास थ्री इंटू थ्री है तो इट कन्वर्ट इंटू थ्री स्क्वायर और नाइन, इनका सबका मतलब क्या है, सेम है। तो वेन एवर नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इट्सेल्फ देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर।
उसको हम पावर 2 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो हम ले लेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली वो क्यूब का हो जाएगा कि द नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय 3 टाइम्स. नंबर ओरिजिनल जो एक्चुअल दिया हुआ है, नंबर इटसेल्फ इज मल्टीप्लाइंग बाय 3 टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड क्यूब. ठीक है, स्क्वायर का मीनिंग मैंने आपको बताया. तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आप बताएंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा. लाइक आई एम आस्किंग स्क्वायर ऑफ 9, देन आप इमीडिएटली कहेंगे मैम इट मींस 9 स्क्वायर और इट मींस 9 इंटू 9 एंड आंसर इज 81. ठीक है, यानी आपने क्या किया, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं आपको एक केस दे रही हूँ कि 441 जो है ये पता करिए कि ये किसका स्क्वायर है. लाइक 81 जो है वो किसका स्क्वायर है, उल्टा क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ. तो आप क्या करेंगे, 81 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो वो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाए. राइट, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हुआ कि मैम 9 इंटू 9 हम जब करेंगे तो वो 81 आ जाएगा. और अनदर नंबर ले लेते हैं हम, लाइक आई हैव 100 एंड आई एम आस्किंग द फैक्टर ऑफ 100. फैक्टर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, बट आई एम आस्किंग कि ये किसका स्क्वायर है. तब आपको सेम नंबर ही लेना होगा. आप सोचे मन में मैम मैं 5 इंटू 5 करता हूँ बट वो तो 25 आ जाएगा. अगर आप 7 इंटू 7 करेंगे तो वो 49 आ जाएगा. तो आप इमीडिएटली अपना माइंड दौड़ाएंगे कि नहीं मैम मैं 10 इंटू 10 करूंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा. नंबर सेम होना चाहिए, नंबर जो भी आप ले रहे हैं वही इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा और दूसरे से. ठीक है, तो 10 इंटू 10 आप जब करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा. सिमिलरली आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन कि 441 किसका स्क्वायर होगा. अब ये तो आपको एकदम से नहीं आएगा, मुझे तो पता है बट आपको नहीं आएगा. तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करना आपको आता है. ठीक है, तो फैक्टराइज जब भी आप करेंगे तो इसको मान लीजिए 3 से डिवाइड दिया, तो 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 3 सेवन ज़ा, ठीक है, 3 फोर ज़ा 12, 3 नाइन ज़ा, 7 सेवन ज़ा, 7 वन ज़ा. मीन्स आपने 441 के इक्विवेलेंट फैक्टर फाइंड कर लिए. नाउ यहां पर अब आप लगा सकते हैं 3 स्क्वायर एंड इसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर. अब देखिए पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 का स्क्वायर. नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि मैंने आपको पावर की इतनी प्रैक्टिस क्यों करवाई थी, क्योंकि वो सारा किसी भी वे में अप्लाई हो सकता था. ठीक है, अब ये हमारा हो गया 21. अब पावर 2 को मैं बार बार पावर 2 नहीं बोलूंगी, आई विल से स्क्वायर. सो नाउ आई हैव 73 इज 21 स्क्वायर. What I ask is 441 किसका स्क्वायर है, तो यू कैन इमीडिएटली आंसर दैट इट इज अ स्क्वायर ऑफ 21. और यू कैन से वी मल्टीप्लाई 21 बाय 21, देन ओनली वी कैन गेट 441. ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको स्क्वायर का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लाइक आई हैव 121. अब अभी हमने 10 तक के तो इजीली याद कर लिए, अब हमें 121 किसका स्क्वायर है ये पता करना है. तो हम क्या करेंगे, 121 को फैक्टराइज करेंगे. क्या ये 3 से जाएगा, नहीं, ये 3 5 7 किसी से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 11 से. 11 11 जा 11 वन जा. सो 121 जो है इट इज इक्वल टू किसके आया, 11 इंटू 11. 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, और यू कैन राइट 121 इज स्क्वायर ऑफ 11. ठीक है, 169 अगेन आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, जिससे भी ये जाएगा ये 13 से ही जाएगा, बाकी सारे नंबर आप ट्राई करके देख लीजिए नहीं जाएगा. सो 169 इज स्क्वायर ऑफ 13 इंटू 13 मीन्स स्क्वायर ऑफ 13. सो स्टूडेंट अब हम स्क्वायर जब भी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के बाद अगर हमारे पास इक्वल ऐसे स्क्वायर कॉम्बिनेशन आ गए तो वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. नाउ आई एम आस्किंग 150 जो है वो किसका स्क्वायर होगा. हम ओरली तो आंसर दे ही नहीं सकते, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फैक्टराइज. मैंने आपसे क्वेश्चन क्या कहा है, 150.
तो आप सबसे पहले 150 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। लेट से आपने 2 से दिया, ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 5 एंड 5। अब केयरफुली यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे, 150 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 को तो आप 5 स्क्वायर लिख देंगे, बट इनके कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिले, ये इंडिविजुअल टर्म है, ये स्क्वायर में है क्या, नहीं है। सो आप यहाँ पर कहेंगे 150 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर वर्ड इरेज होगा, यहाँ पर एक वर्ड आएगा परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 121 जो था वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर था। 11 इंटू 11 अगर हम करते हैं तो हमको इजीली मिलता है 121, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं मिला। 169 जो था हमारा 13 का परफेक्ट स्क्वायर आया, कोई भी आप, 441 जो है वो हमारा 21 का परफेक्ट स्क्वायर आया, बट जब हमने 150 सॉल्व किया तो वो परफेक्ट नहीं आया, मींस 150 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कुछ स्क्वायर्स निकालेंगे, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स और जो कुछ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्क्वायर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ वर्ड, द मीनिंग ऑफ स्क्वायर इज नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ, ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, लेट्स से आई एम टेकिंग 5, तो 5 इंटू 5 अगर हम करते हैं देन इट इज अ स्क्वायर, कैसे वो देखिए, यहाँ पर क्या है, बेसिस सेम है, द पावर ऑफ 5 इज नथिंग, मीन्स इट मीन्स 1, सो आई हैव केप्ट 1 हियर, बेसिस आर सेम, द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, देन वॉट विल हैपन, पावर विल बी एडेड, 5, 1 प्लस 1 इज 2, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 देन वॉट इज द रिजल्ट, 5 टू द पावर 2, हेयर इफ आई से 5 टू द पावर 2 देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इफ आई से इट इज 5 स्क्वेयर देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इन शॉर्ट नाउ आई विल यूज वर्ड इट इज स्क्वेयर ऑफ 5 और 5 स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हम जब भी 5 टू द पावर 2 आएगा मीन्स हम क्या बोलेंगे, से 5 का स्क्वेयर और स्क्वेयर ऑफ 5, एंड इन अदर लैंग्वेज यू कैन से द पावर ऑफ 5 इज 2, बट स्पेसिफिकली जब पावर 2 है देन वी यूज टू से स्क्वेयर, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लीजिए, लाइक आई हैव 10, कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, बेसिस सेम है, देन पावर विल बी एडेड, नाउ इट इज 10 टू द पावर 2, बट नाउ आई विल से इट इज 10 स्क्वेयर और स्क्वेयर ऑफ 10। अगर मैं स्क्वेयर ऑफ 10 लिखूं और 10 टू द पावर 2 बोलूं और द पावर ऑफ 10 इज 2, सबका मीनिंग जो है वो सेम है, बट अब हम जो वर्ड यूज करेंगे फॉर 2 इट इज स्क्वेयर, पावर में 2 होगा देन इट इज स्क्वेयर। नाउ इफ आई हैव एक्स देन बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड मीन्स एक्स टू द पावर 2, सो व्हाट आई विल से एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब आप ध्यान अगर दें, पिछली क्लासेस में आपने स्क्वेयर शेप पढ़ा है एंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज ऑलवेज साइड इनटू साइड, राइट, पढ़ा है हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, यस। लेट्स से साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते थे एरिया निकालने के लिए, 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर, तो हम आंसर लिखते थे 100, बट वी नेवर यूज सेंटीमीटर, वी ऑलवेज राइट आइदर दिस और 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर, एम आई राइट, यस। बट जब हमें ये समझ नहीं आता था कि ये स्क्वेयर क्या है, ठीक है,
ये स्क्वायर कहाँ से जनरेट होता था? ये 10 है, ये 10 है, इनकी पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स इनकी पावर क्या है? 1 है. मीन्स ये आता था 10 to the power 2, विच इज 100. दैट्स वाई वी ऑलवेज रोट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज 10 10 का मल्टीप्लाई होता था, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर का भी तो मल्टीप्लाई होता था. एंड जब भी कोई चीज़ उसी नंबर से या उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है, इट विल कन्वर्ट इंटू स्क्वायर. लाइक एक्स का जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे वो एक्स स्क्वायर बन जाता है? सिमिलरली सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो वो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर 1 + 1 मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा एरिया में यूनिट जो है वो स्क्वायर क्यों यूज करते थे. ठीक है, नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, बट जो भी यूनिट होता था, मीटर होता था, तो हम लिखते थे स्क्वायर मीटर. व्हाई? बिकॉज इट वाज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स. अगर ये मीटर होता था तो वो आंसर में मीटर स्क्वायर आता था, मीन्स स्क्वायर मीटर. किलोमीटर होता था तो आंसर वॉज इन स्क्वायर किलोमीटर. फाइन, तो जब भी सेम नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल जनरेट स्क्वायर या पावर ऑफ 2. ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर. सिमिलरली मैथ्स में एक और वर्ड होता है, दैट इज क्यूब. अभी उसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू शुड नो, दैट्स वाई आई एम टेलिंग. क्यूब क्यूब मीन्स नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, देन इट इज क्यूब. कोई भी नंबर, अगर वही नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए पावर क्या है? 1. अब आप पावर के रूल से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए. पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 मीन्स x to the power 3, और यू कैन से द पावर ऑफ x इज 3. बट नो, नाउ आई विल यूज द वर्ड फॉर 3 इज क्यूब. दिस इज एक्स क्यूब. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लें. सेम क्यूब रहता था एंड आप इसका वॉल्यूम निकालते थे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल इंटू बी इंटू ए, सॉरी दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ए इंटू ए इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है, क्या हो जाता था वॉल्यूम? ए क्यू. जब हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये a to the power 3 कहां से आया है, बट ये a to the power 3 कहां से आता था? ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1 विल बिकम 3. दैट्स वाई a to the power 3, एंड नाउ वी जनरली यूज वर्ड दिस क्यूब फॉर दिस. ठीक है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्यूब. जब इनकी यूनिट्स मल्टीप्लाई होती थी तब भी सेम ये होता था. लाइक एक 5 है, तो 5 × 5 × 5, सो आंसर विल बी 125. 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर में फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर इज 125, बट यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और आप ऐसा लिखते थे क्यूबिक सेंटीमीटर. आई थिंक अब आपको रिकॉल हुआ होगा, इन प्रीवियस क्लासेस हम वॉल्यूम जब भी निकालते थे तो हमें ऐसा लिखना होता था यूनिट के. हमारे टीचर हमें हमेशा बोलती थी विदाउट यूनिट वॉल्यूम और एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, बट जब हम याद करके लिख देते थे तब हमें ये पता नहीं होता था कि ये कैसे आ रहा है. तो 5 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो 125 बन गया, मीन्स 5 to the power 3 हो गया, बट सेंटीमीटर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो गई. और जब भी पावर 3 होगी तो वील यूज वर्ड क्यूब, एंड जब भी पावर 2 होगी देन वील यूज वर्ड स्क्वायर. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, तो अब आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर. डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. अ नेचुरल नंबर एन इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ नंबर
if there exists a natural number m such that n equals to m square. अभी ये डेफिनेशन कुछ अजीब सी लग रही होगी आपको, बट इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो वो इजीली समझ में आएगी. अ नेचुरल नंबर n, नेचुरल है मीन्स वन से स्टार्ट जितने भी नंबर होते हैं. मीन्स यहाँ पर जीरो लेंगे क्या? नहीं, बिकॉज जीरो से स्टार्ट होंगे तो इट विल बिकम अ होल नंबर. सो डेफिनेशन स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर m सच दैट n इक्वल्स टू m स्क्वायर. अब इसको नंबर के फॉर्म में देखें. लाइक आई हैव अ नेचुरल नंबर 4, ठीक है? 4 जो है इट विल स्क्वायर ऑफ 2. ये तो आपको अभी समझ में आ गया कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड पावर ऐड होगी. अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगी, हम उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2. बट ये आया कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? 4, देयर इज अ नेचुरल नंबर 4, उसका वो हमेशा किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा. तो यहां पर वो किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. अनदर नंबर लेते हैं, देयर इज अनदर नेचुरल नंबर 9 व्हिच इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 3. मींस दोनों नंबर नेचुरल ही होंगे, ये कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. आप इसका कुछ और केस लेके देखेंगे, नेचुरल नहीं है तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है? अनदर एग्जाम्पल, लाइक आई हैव 25, देन आई कैन इजिली राइट 5 टू द पावर 2. लाइक आई हैव 36, देन आई कैन इजिली राइट 6 टू द पावर 2, मीन्स स्क्वायर ऑफ 6, ठीक है? ऐसे देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. कोई भी नेचुरल नंबर, हेयर नेचुरल नंबर इज 36 विच इज स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर. 6 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, सो 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6. तो डेफिनेशन सेज कि परफेक्ट स्क्वायर जब होगा जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है? अब हम ऐसा कोई केस लें कि जो स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा? लाइक आई एम टेकिंग लेट से 50, राइट? नाउ 50 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे. 2 25, 5 5 5 1. नाउ 50 के इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 into 5 2. ये आपका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 5 स्क्वायर. अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि डेफिनेशन यहाँ फुलफिल हो रही है नहीं. व्हाई? 50 इज 5 का स्क्वायर तो आ रहा है बट ये 2 का स्क्वायर नहीं है, जबकि डेफिनेशन सेज इफ देयर इज अ नेचुरल नंबर then it is always equal to the square of another natural number, then only we can say it's a perfect square. Fine. तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर तो आ रहा है पर ये 2 का नहीं है, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे? नहीं, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, सॉरी बाई मिस्टेक आई पुट दिस, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक आई एम टेकिंग 100. अब हम 100 को फैक्टराइज करेंगे. 2 50s are 25 5 5s are and 5 1s are. अब देखिए ध्यान से, 2 into 2 into 5 into 5. सो नाउ आई कैन राइट 2 to the power 2 and 5 to the power 2. अब यह सॉल्व हो गया है? नहीं, यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. यहाँ पर क्या है, पावर सेम है एंड बेसिस डिफरेंट है और बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन. सो आई कैन राइट 2 into 5 to the power 2. वापस से प्रॉपर्टी रिवाइज कराती हूँ मैं आपको. x टू द पावर m एंड y टू द पावर m, देन आई कैन राइट xy होल टू द पावर m. सो नाउ यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर. 5 2s are 10 square. हमारा क्वेश्चन था 100 एंड द आंसर इज 10 स्क्वायर. फुल स्क्वायर आ चुका है, मीन्स वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर.
ठीक है। मींस परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का क्या तरीका है कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर मींस उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो क्वेश्चन था वो आना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सम आर परफेक्ट सम आर नॉट परफेक्ट, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, इन दिस वी हैव टू चेक विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड विच आर नॉट, राइट। कुछ हम ले लेते हैं ए, इट इज 500, बी इंडिविजुअली हमें ने चेक करना है कि दीज आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, सी 225 एंड डी एस लेट्स से 1000, ठीक है। फर्स्ट यहां पर हम क्या करें, चेक वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट, चेक फर्स्ट इज 500। 500 को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 500 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से दिया हमने डिवाइड, 250, अगेन 2 से दिया, 125, नाउ 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। जब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक ये लोएस्ट टर्म में मींस 1 तक फैक्टराइज करते जाएंगे। सो नाउ द फैक्टर ऑफ 500 इज 2 × 2 × 5 × 5 × 5 एंड 1 आपको लिखना है तो लिखें, नहीं लिखें तो स्किप भी कर सकते हैं। नाउ द पावर ऑफ 2 इज 1, सबकी पावर क्या है, 1 है। ये जो दो 2 हैं इट विल गिव यू 2 to the power 2 मीन्स 2 स्क्वायर, पावर का प्रॉपर्टी लगाया हमने, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। सिमिलरली 5 to the power 2, बट ये एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि डेफिनेशन क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की, कि जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्यों, बिकॉज डेफिनेशन सेज इफ देयर इज अ नेचुरल नंबर n देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 500 को अगर हम देखें तो ये स्क्वायर में तो आ रहा है बट एक्स्ट्रा एक 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या होना कंपलसरी है, 2, तो मींस एक 5 की कमी है यहाँ पर, देर इज अ लैक ऑफ 1 5, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अवर क्वेश्चन वॉज चेक वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट, तो ए के लिए आपका आंसर होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर को इन शॉर्ट वी ऑलवेज यूज एस क्यू। नाउ सेकेंड इज 625, सो वील फैक्टराइज 625, ये तो 5 से देंगे हम, 5 1 ज़ा 5 125 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नाउ वी कैन राइट 625 इज इक्वलेंट टू 5 × 5 × 5 × 5, 1 को आप स्किप कर सकते हैं। नाउ 1 1 1 1, सो आई कैन राइट 5 to the power 2 and 5 to the power 2, पावर सेम है मीन्स 25 to the power 2, सो 625 का जो आंसर आ रहा है इट इज इक्वलेंट टू 25 to the power 2। What it shows, if we multiply 25 by itself, means 25 multiplied by 25 will always give you 625. So B के लिए आपका आंसर क्या होगा, Yes, this is a perfect square. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Yes, this is perfect square. Now we'll check the third one. Third one is 225. फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 9 ज़ा 45 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, फैक्टराइजेशन से तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं। 225 इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3 मीन्स इट इज 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, पावर्स आर सेम बेसिस आर डिफरेंट, so we can like in write in this way, so it is 15 to the power 2 means 15 square, so 225 is equivalent to 15 square means when we multiply 15 to 15 then we'll get 225,
So yes, this is a perfect square. Now last one is thousand. मैं आप इसको note कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. Last one, this is perfect square. ठीक है. Now thousand. इसको हम factorize करेंगे. 2 5s are 10. 2 250. Now 5 से देना होगा हमें 5 5 5s are 0. 5 10s are 5 2s are and 2 1s are. So the factor of 1000 is 2 into 2 into 5. कितनी बार आ रहा है? 3 बार and एक और 2. ठीक है, दीज ऑल आर फैक्टर. इसको हम दो दो का पेयर ले लें, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 स्क्वायर. बट ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है जिनका स्क्वायर नहीं है. कंप्लीट स्क्वायर होना जरूरी है. सो क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? नो, बिकॉज यहाँ पर एक 5 और होना चाहिए था एंड एक 2 और होना चाहिए था जो यहाँ पर नहीं है. मीन्स देयर आर शॉर्टेज ऑफ 1 5 एंड 1 2. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? सो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिसमें हमने चेक किया वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट परफेक्ट.